नमस्कार, मैं हूं दीपक शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं भी आपको मैरिज के रिगार्डिंग जानकारियां दे रहा हूं। इसी के अंतर्गत आज का विषय हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय है। काफ़ी लोगों के प्रश्न थे कुछ दिनों से मेरे पास, और बार बार एक प्रश्न विशेष रूप से पूछा जा रहा है कि सर, हम अपनी अट्रैक्शन पावर कैसे बढ़ा सकते हैं, हम अपनी आकर्षण शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं कि हम किसी भी व्यक्ति से मिलें, बात करें तो वह हमारे बारे में सोचने लगे। और ये जितने भी लोग प्रश्न करने वाले थे, उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि वो किसी को प्रेम करते हैं और उनसे मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन वो जिनको प्रेम करते हैं सामने से उतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बात बता दूँ, ये अट्रैक्शन पावर का जो विज्ञान है, सही से थोड़ा भी आपको समझ में आ जाए तो इस दुनिया में आप सफलता के शीर्ष पर पहुंच सकते हैं। और ये हर जगह काम करता है। आप किसी को प्रेम करते हैं और उसके अंतर मन में आपके लिए खास जगह बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर तो ये काम करता ही है। लेकिन आप दुनिया में किसी भी क्षेत्र में हैं, किसी भी फील्ड में हैं, यदि वहाँ पर आपको अट्रैक्शन पावर बढ़ाने का साइंस पता है तो आप अपने लिए एक विशेष स्थान बना सकते हैं। तो ये अट्रैक्शन पावर कैसे बढ़ाई जा सकती है, देखिए इस पर क्या है ना, बहुत ज़्यादा कुछ अलग तरीके की भी बातें हो चुकी है, क्योंकि कुछ लोग इस पर ऊट पटांग टोट के ये सब बता बता करके लोगों की मानसिकता को कहीं ना कहीं बिगाड़ रहे हैं। लेकिन ये प्रॉपर वर्क कैसे करता है, मैं आज आपको प्रैक्टिकली आप अनुभव करके इसे देख सकते हैं, और मैं बिल्कुल साइंटिफिकली सही तरीके से इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि आप अपनी अट्रैक्शन पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं। और मैं 101% चैलेंज के तौर पर कहना चाहता हूँ, मैं जैसा बता रहा हूँ उस तरीके से आप प्रयोग करके देखना, 101% आपको लाभ होगा ही होगा। यदि आपको लाभ नहीं होता है, यदि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आप मुझे अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए क्या ट्रिक यूज करनी है, 3 ट्रिक्स होती हैं इसके लिए। और अट्रैक्शन पावर का साइंस तो बहुत बड़ा साइंस है। यदि आप घर परिवार में रह रहे हैं, परिवार के लोगों से आपको सम्मान नहीं मिलता है, आपके शब्दों की, आपकी वाणी की कोई वैल्यू नहीं है, कोई तवज्जो आपको देता नहीं है, तो वहाँ पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप कहीं पर भी जॉब में हैं, आप जहाँ कहीं जिस जगह पर जिस प्रकार के अनुकूल प्रतिकूल स्थितियों के बीच आप रहते हैं, आप इस अट्रैक्शन पावर के साइंस को जरूर यूज करना। लेकिन मेरा मेन फोकस रहेगा, क्योंकि मुझे जो प्रश्न किए गए हैं वो उन लोगों के द्वारा किए गए हैं कि जो किसी को प्रेम करते हैं लेकिन सामने से अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, और वो जिन्हें प्रेम करते हैं उनसे ही मैरिज करना चाहते हैं, और उनका कहना है कि मैं उनके अंतर मन में अपने लिए कैसे आकर्षण शक्ति उत्पन्न कर सकता हूँ। तो इसके लिए पहली ट्रिक है, आप समझने की कोशिश करना, एक तो आप जिस किसी भी व्यक्ति विशेष को टारगेट करते हैं, आप जिस जगह जिस स्थान पर कहीं पर भी हैं, आपको अपने बारे में, आप अपने से जुड़ी हुई पूरी जानकारी कभी भी किसी व्यक्ति को किसी भी कंडीशन में नहीं देना है। यदि आप अपना भेद पूरा कम्प्लीटली किसी को दे देते हैं तो हमारे ब्रेन की एक फितरत होती है, हमारी ब्रेन की एक बेसिक नेचर होती है कि वो हमेशा कुछ नया जानना चाहता है, कुछ नया सीखना चाहता है। यदि आपने अपनी पूरी किताब किसी के सामने खोल दी है, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अपने बारे में तो जानकारी दे देते हैं लेकिन घर परिवार तक पूरा सब कुछ XYZ अगले व्यक्ति तक पूरी जानकारी पहुंचा देते हैं, और उनके पास फिर नया कुछ बताने के लिए होता ही नहीं है। ऐसी कंडीशन में सामने वाले व्यक्ति की जो ब्रेन की एनर्जी है ना, वो क्रैश करने लगती है। तो ध्यान रहे, सबसे पहली ट्रिक है, आपको इंटरेस्टिंग बनना है, हमेशा अपनी पूरी अपने से जुड़ी हुई कंप्लीट जानकारी किसी भी व्यक्ति विशेष तक नहीं पहुंचानी है, ये सबसे पहली जरूरी बात है। अब यहां पर एक बात और बढ़ती है कि सर, आप जिससे प्रेम करते हैं उसे तो उससे क्या छुपाना, उसको तो सब कुछ बता ही देना चाहिए। लेकिन मैं आपको सच बात बताऊं, आज के समय का जो प्रेम है ना, वो एक शारीरिक आकर्षण का ही प्रेम रह गया, क्योंकि प्रेम की पराकाष्ठा बहुत उच्च श्रेणी की है, वहां तक आज का जो मानवीय जीवन है वो पहुंच नहीं पाता है। बहुत ही दुर्लभ लोग होते हैं जो उस पराकाष्ठा पर पहुंच पाते हैं। तो यहां पर सबसे पहला ट्रिक है कि आपको अपनी पूरी किताब किसी भी व्यक्ति विशेष के सामने नहीं खोलना, यदि खोलेंगे तो वहां पर एनर्जी क्रैश करेगी और वहीं से आपके प्रति जो अट्रैक्शन होता है वो खत्म होने लगता है। अब नंबर 2 पर बहुत ही पावरफुल ट्रिक है ये, इसको बोलते हैं वचोगुप्ति, अर्थात वाक संयम। वाणी का जो प्रभाव है
जो बहुत ज़्यादा आकर्षण में मायना रखता है। एक तो बहुत ज़्यादा आपको बोलना नहीं कभी भी, कुछ लोग इतना बोलते हैं कि उनके शब्द ही निस्तेज हो जाते हैं, शब्दों का प्रभाव ही खत्म हो जाता है। कम से कम बोलना है, और जब भी बोलना है ना कुछ इंटरेस्टिंग बोलना है, कुछ ऐसा बोलना है, एक ठहराव के साथ बोलना है कि अगला व्यक्ति हमसे कुछ सुनने के लिए उत्सुकता उसके मन में जगे। जैसे आपने कोई भी सीरियल देखा हो या कोई भी मूवी वगैरह हम देखते हैं ना, तो वो उसके बीच में जो ऐड आती है ना, वो ऐसी जगह ला करके वो लगाते हैं कि तब हमें आगे देखना ही देखना होता है कि अब क्या होगा, यानी एक उत्सुकता जागृत रहती है अंतर मन में से। तो हमेशा अपनी वाणी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है, शब्दों का सही उचित चयन करके प्रयोग करना है, बकर बकर बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है, क्योंकि व्यर्थ में बोलने से जो हमारे शब्द होते हैं ना वो कहीं ना कहीं निस्तेज हो जाते हैं। और ध्यान दीजिए, हम जब भी बोलते हैं तो सिर्फ शब्द ही नहीं बोलते हैं, हमारी संकल्प शक्ति क्या है, अंतर मन में क्या चल रहा है, एक विद्युत तरंगों के माध्यम से हमारे शब्दों के साथ मिक्स होकर के हमारे शब्द किसी व्यक्ति विशेष पर अपना प्रभाव रखते हैं। तो हमेशा पहली बात तो कोशिश करिए कि आप बाहर से जो बोलने की कोशिश कर रहे हैं आप पहले अंदर से वैसे हो जाएं, तो आपके शब्दों में वो पावर आएगा, आपके शब्दों में वो आकर्षण शक्ति आएगी कि अगले व्यक्ति पर 101% आपके शब्द असर करेंगे ही करेंगे। तो दूसरी बात है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलना, ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहना चाहिए वैसे व्यक्ति को, आवश्यकता पड़ने पर ही बोलना चाहिए, और जब भी बोले सोच समझ के बोलना चाहिए। तो इससे क्या है कि आपकी बॉडी की एनर्जी वेस्ट नहीं होगी और शब्दों की जो विद्युत तरंगे हैं वो बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन रखेगी अगले व्यक्ति के ऊपर। तो ये नंबर दो ट्रिक थी। और तीसरी ट्रिक है जो बहुत ज़्यादा काम करती है, जिसको वशीकरण में, सम्मोहन में और अट्रैक्शन पावर के लिए यूज किया जाता है, उसमें काम करता है एलोवेरा, जो जिसको हम गवार पाठा बोलते हैं। इसकी जो जड़ होती है ना बहुत ही कारगर होती है। पुष्य नक्षत्र में गंवार पाठे की जड़ को निकाल के अच्छे से उसको सुखा लें, और जब वो बिल्कुल एकदम सूख जाती है तो उसका एकदम पाउडर बना लें। आप पाउडर बना करके उसमें श्री मिक्स कर लें। श्री आती है एक ब्लैक कलर की, जो कुछ लोग ऐसे तिलक वगैरह करने में भी उसका यूज करते हैं। तो उस श्री को गंवार पाठे की जड़ का जो पाउडर आप बनाते हैं उसके साथ मिक्स कर लें, और जेंट्स जो हैं उनको अपने राइट हैंड में इस तरीके से यहाँ पर हर दिन उसमें थोड़ा जल मिला करके उसका टीका लगाना है, और जो फीमेल्स हैं उनको अपने लेफ्ट हैंड में उसका टीका लगाना शुरू करना चाहिए। ये गंवार पाठे की जड़ बड़ी ही कमाल की होती है, इससे सम्मोहन में विशेष करके इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप जिस किसी भी व्यक्ति से मिलेंगे इसे लगा करके बात करेंगे तो वहाँ पर विशेष रूप से आपके लिए अच्छा मैसेज उसके चित्त पर जाएगा, उसके दिमाग में जाएगा। तो ये तीन तरीके हैं जो अट्रैक्शन पावर को जबरदस्त तरीके से बढ़ाते हैं। मैं फिर से थोड़ा बता दूं, एक तो अपनी किताब किसी भी व्यक्ति के सामने पूर्ण नहीं खोलना है, चाहे आप उससे प्रेम ही करते हैं, क्योंकि आज का प्रेम बड़ा छोटा सा है, शारीरिक आकर्षण रूपी प्रेम होता है। जब आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन किसी को दे देते हैं तो उसके ब्रेन की एनर्जी क्रैश करने लगती है आपसे। दूसरा है, बहुत ज़्यादा बकर 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 बोलना नहीं है, कम से कम शब्दों का प्रयोग करना है, धीर गंभीरता के साथ शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और तीसरा है, गंवार पाठे की जड़ का प्रयोग, ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आप ज़रूर इस चीज़ को इस्तेमाल करके देखना, ये ट्रिक बहुत ज़्यादा काम करती है। और 100% आपका कहीं ना कहीं जो भी संकल्प है, जो भी मनोरथ है, उसमें आपको अवश्य सिद्धि प्राप्त करवाएगी। तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद है मेरे से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, प्रभु की कृपा से उनका सबका मंगल हो, शुभ हो। और आज के वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा, और जितने भी लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, यदि मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने जीवन के बारे में, संतान के बारे में, करियर के बारे में किसी भी प्रकार से सटीक जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं आप मुझे यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।